हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन्स नाउन्स क्या होता है? वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन। वर्ड वो शब्द जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बताते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। जैसे कि इंडिया, गोल्ड, रिवर, फ्लॉक, ब्यूटी। तो अब नाउन्स जो होते हैं वो पांच तरह के होते हैं। नंबर वन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या एनिमल, थिंग का नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि हिमालय इज ए प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसमें माउंटेन का पर्टिकुलर नाम बताया है कि कौन से माउंटेन। माउंटेन बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें बताया है कि हिमालय, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो कि किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल या थिंग के बारे में बताते हैं, कॉमनली बताते हैं, मतलब पर्टिकुलर नाम नहीं देते, जैसे कि प्रॉपर नाउन में था। जैसे द नेम फ्रूट कैन बी गिवन टू एनी एंड एवरी फ्रूट, जैसे कि मैंगो, बनाना, एप्पल, इन सब फ्रूट्स के लिए हम एक फ्रूट वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन में किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का कॉमनली यूज करते हैं। जैसे फ्रूट्स की कैटेगरी में मैंगो, बनाना, एप्पल सब कुछ आ जाता है, तो यहाँ पे हम कॉमनली हम फ्रूट वर्ड अगर लेंगे तो वो कॉमन नाउन में आएगा। तो इसलिए हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन में किसी फ्रूट का नाम लिखेंगे और कॉमन नाउन में बस फ्रूट लिखेंगे। तो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पर्सन या थिंग्स। तो जब कई बहुत सारे पर्सन या थिंग्स को हम एक साथ एक वर्ड के जैसे लेते हैं और उसको एक होल एक वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि क्लास। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ जब एक रूम में बैठे तो क्लास बोल देते हैं। फ्लीट, जूरी, फैमिली, जब बहुत सारे मतलब फैमिली में क्या होता है, कुछ पर्सन रहते हैं तो उनके ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं। नेशन, फ्लॉक, तो ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ है मटेरियल नाउन। तो ए नाउन विच स्टैंड फॉर द मैटर और सब्सटेंस। जब कोई नाउन किस चीज से बना हुआ है, उस चीज के बारे में हम बताते हैं, तो उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि वुड, आयरन, शुगर, गोल्ड, तो ये सब क्या हो गए? मटेरियल नाउन हो गए। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और एन आइडिया। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जब हम कुछ बात कह रहे होते हैं, उस किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बता रहे होते हैं या अपनी फीलिंग या आइडिया के बारे में बता रहे होते हैं, जो हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं बिना उसको टच किए या देखे, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये एक सिंपली फीलिंग है या क्वालिटी है। जैसे कि होप, होप को हम ना देख सकते, ना टच कर सकते। लेंथ, पिटी, दया, ब्रेवरी, सिकनेस, हैप्पीनेस, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से हम नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब नाउन्स होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, दो तरह के नाउन। तो जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, उन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। जैसे टेबल्स, बुक, फ्रिज, फ्लावर्स, तो जैसे वन टेबल, टू टेबल, तो इस तरह के नाउन सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं, इन्हें हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि व्हीट, गेहूं, मिल्क, गोल्ड, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। वन व्हीट, टू व्हीट, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, तो इसलिए इस तरह के नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो ये था नाउन्स के बारे में।